गूगल अपने एंड्रॉइड का 10th वर्जन को लॉन्च करने वाली है और देखा जाए तो इसका शायद से नाम क्यू से स्टार्ट हो सकता है। और इस वीडियो में जानेंगे कि आपको एंड्रॉइड 10 क्यू में क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज देखने को मिलने वाली है वो है एक प्रॉपर डार्क मोड, यानी कि XDA डेवलपर्स के पास एक एंड्रॉइड क्यू की अर्ली बिल्ड आ गई थी और उसे फ्लैश करने के बाद ये चला कि आपको सिस्टम वाइड डार्क मोड देखने वाला है, यानी कि सिस्टम की जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो डार्क होंगी। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करोगे ना उसके अंदर भी आपको डार्क मोड मिल सकता है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अगर आपको फोन को रात को यूज करना है तो डार्क मोड वहां पे काम आएगा। और जो प्रॉपर डार्क मोड आएगा ना वो एक्चुअली में जो OLED स्क्रीन वाले जो फोन्स होते हैं ना उनकी बैटरी बचाने में भी काम आएगा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है। और देखते हैं कि इसका इंप्लीमेंटेशन एंड्रॉइड 10 क्यू में कैसे हो सकता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो आने वाली है एंड्रॉइड 10 क्यू में वो हो सकती है परमिशन से रिलेटेड, क्योंकि जो एंड्रॉइड परमिशन होती है ना वो इंट्रोड्यूस की गई थी एंड्रॉइड मार्शमैलो में, जिसके अंदर एप्लीकेशन को जब जिस परमिशन की जरूरत होती है वो उसे पूछ लेती है। लेकिन एंड्रॉइड क्यू है ना इसे एक लेवल ऊपर ले जाएगा, यानी कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जब भी किसी ऐप को उस पर्टिकुलर परमिशन की जरूरत पड़े तभी वो पूछे, और जब आप उसे ओपन करो और उस पर्टिकुलर फीचर को यूज करो तभी वो आपसे उसकी परमिशन ले। तो आप डिसाइड कर पाओगे कि किस केस में आपसे वो परमिशन ले और किस केस में आपसे वो परमिशन ना ले। तो जो परमिशन के ऊपर जो अच्छा कंट्रोल है ना वो भी आने वाला है। और जो सबसे बड़ा फीचर जो एंड्रॉइड 10 क्यू में आ सकता है ना वो हो सकता है एक प्रॉपर डेस्कटॉप मोड। तो जैसा कि हम सैमसंग और हुआवे में देख चुके हैं कि उनके जो फोन्स है ना वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि बड़े डिस्प्ले से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके अंदर आपको पीसी जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसा एक्सपीरियंस आपको नॉर्मल एंड्रॉइड फोन से भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि बस आपको USB टाइप सी टू एक HDMI केबल लेनी होगी, उसे अपने कंप्यूटर से जोड़ दो, बाद में ब्लूटूथ कीबोर्ड और ब्लूटूथ माउस से कनेक्ट कर दो और उसके बाद आपको पूरा पीसी देखने को मिलेगा, यानी कि होम स्क्रीन होगी, एक स्टार्ट मेन्यू होगा, रिसाइजेबल ऐप विंडोज होंगी, तो पूरा एक पीसी बन जाएगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। और देखते कि एंड्रॉइड इस चीज में एप्स को कैसे हैंडल करता है और ये रियलिटी में कितना यूजफुल होता है। तो जो डेस्कटॉप मोड है ना ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर होने वाला है आने वाले समय में। इसके बाद जो अगली चीज आने वाली है वो होने वाली है स्मार्ट लॉक, क्योंकि एंड्रॉइड क्यू ने बता दिया कि दो टाइप के स्मार्ट लॉक होने वाले। पहला ऐसा कि जब भी आप किसी ट्रस्टेड डिवाइस की या ट्रस्टेड ब्लूटूथ डिवाइस जो कि आपकी स्मार्टफोन या ब्लूटूथ का कोई और डिवाइस हो सकता है, जब भी आप उसे अपने फोन के पास ले जाओ तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए। लेकिन इसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस पर गूगल ऐसा कर सकती है कि पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड कर सकती है कि इसी पीरियड तक अगर डिवाइस अनलॉक रहेगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपको उसे अनलॉक करना है तो आपको उसे मैन्युअली करना पड़ेगा। और उसके अलावा आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि किस टाइम पे जो ट्रस्टेड डिवाइस है ना वो अनलॉक करे फोन को। तो जो सिक्योरिटी है ना ये उसे बढ़ाने के लिए किया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एडिशनल फीचर जो एंड्रॉइड 10 क्यू में आ सकता है ना वो हो सकता है नेटिव फेस अनलॉक का फीचर। अब देखा जाए तो एंड्रॉइड फोन है ना वो फ्रंट कैमरे के साथ साथ डेडिकेटेड इंफ्रारेड सेंसर और जो दूसरे टाइप के सेंसर होते हैं ना उनके साथ आ रहे हैं, जिनका यूज फेस अनलॉक में किया जाता है। अब एंड्रॉइड के अंदर आपको नेटिव सपोर्ट देखने को मिलेगा फेस अनलॉक का, यानी कि जो 3D फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होती है वो टेक्नोलॉजी अब एंड्रॉइड के अंदर नेटिवली इंप्लीमेंट की जाएगी और एंड्रॉइड फोन्स में भी देखने को मिलेगी। और इसका फायदा ये रहेगा कि ज्यादा सिक्योर रहेगा और ज्यादा फास्ट रहेगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो पहले के जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले जो फोन्स हुआ करते थे ना वो स्लो हुआ करते थे, लेकिन जब ऑफिशियली एंड्रॉइड मार्शमैलो के अंदर नेटिव फिंगरप्रिंट स्कैनिंग का जो सपोर्ट आया ना तो उसके बाद से जो फिंगरप्रिंट अनलॉक की जो स्पीड है वो बढ़ गई और फिंगरप्रिंट रहता है ना वो ज्यादा सिक्योर भी हो गया। और अब ऐसा कुछ फेस अनलॉक के लिए भी आने वाला है। तो जो फेशियल रिकॉग्निशन के हार्डवेयर जब एंड्रॉइड फोन्स में आएंगे ना तब आपको जो फेस अनलॉक की स्पीड है वो भी अच्छे से देखने को मिलेगी और जो फेस अनलॉक वो पहले से ज्यादा सिक्योर भी हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो आने वाला जो अगला पिक्सल है उसके अंदर आपको 3D फेस अनलॉक के भी फीचर्स देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक बहुत ही पुराना फीचर जो एंड्रॉइड में काफी समय से मिसिंग था वो भी आने वाला है, वो हो सकता है नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर, क्योंकि आज के डेट में आपको अलग से ऐप डालनी पड़ती है अगर फोन की अगर स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है और कुछ फोन्स में इसे रूट भी करना पड़ता है। लेकिन इस फीचर को हो सकता है गूगल इस बार इम्प्लीमेंट करते, तो अगर ऐसा होता है काफी कमाल की बात होगी। और इसके साथ एंड्रॉइड 10 के साथ कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है कि गूगल कुछ इस तरीके का प्रोग्राम लाए जिससे वो एंड्रॉइड की जो सिक्योरिटी अपडेट होती है ना वो रेगुलरली प्रोवाइड कर सके ज्यादा से ज्यादा फोन्स को, यानी कि जिन फोन में एंड्रॉइड 10 क्यू चल रहा है वो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट ज्यादा तेजी से ले सके, तो ये भी काफी अच्छी बात होगी। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो गूगल इम्प्लीमेंट कर सकती है ना वो हो सकता है डायनामिक एंड्रॉइड या फिर एंड्रॉइड ऑन टैप नाम से। इसके अंदर गूगल अपने प्रोजेक्ट ट्रिबल का यूज करेगी, तो इस चीज का फायदा ये है कि जिन लोगों को रोम फ्लैशिंग और रूटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है ना तो उन लोगों को अपने फोन का बूटलोडर अनलॉक नहीं करना पड़ेगा, ना ही अपने फोन का डेटा वाइप करना पड़ेगा, और ये सब किए बगैर वो आसानी से नई रोम को फ्लैश कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि एंड्रॉइड 10 क्यू में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको जो फ्यूजिशिया OS आया था ना उसका भी एंड्रॉइड 10 क्यू में कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो फ्यूजिशिया OS है ना उसका जो लोग है ना वो
एंड्रॉयड क्यू से काफी सिमिलर लगता है। तो हो सकता है कि एंड्रॉयड क्यू के अंदर आपको फ्यूचरिस्टिक ओएस की कोई ना कोई चीज देखने को मिल जाए, तो ये चीज भी हो सकती है। इसके अलावा जो अगली बड़ी चीज होने वाली है ना एंड्रॉयड 10 क्यू में, वो हो सकती है फ्लेक्सिबल और फोल्डेबल फोन का सपोर्ट। क्योंकि 2019 में हमें पता कई सारी कंपनी अपने फोल्डेबल फोन लाने वाली है, और फोल्डेबल फोन को चलाने के लिए अभी सॉफ्टवेयर अच्छे से तैयार नहीं है। तो एंड्रॉयड 10 क्यू में फोल्डेबल फोन के लिए सॉफ्टवेयर भी आ सकता है, जिससे जो एप्स होंगी ना वो सपोर्ट कर पाएंगे कि कब आपका फोन अनफोल्ड है तो उस ऐप को कैसे चलाना, और जब आपका फोन अनफोल्ड हो गया तब उस ऐप को कैसे हैंडल करना है। तो एंड्रॉयड 10 क्यू कैसे हैंडल करेगा एप्स को, फोल्डेबल फोन पे कैसे चलेगा, और एंड्रॉयड 10 क्यू हो सकता है आपको फ्लेक्सिबल और फोल्डेबल फोन्स में चलता हुआ देखने को मिले। तो देखा जाए तो ये कुछ चीजें जो आपको देखने को मिलने वाली है एंड्रॉयड 10 क्यू में। बाकी आप लोगों को क्या लगता है एंड्रॉयड क्यू का नाम क्या होना चाहिए, तो ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।